महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे जी, महाराष्ट्र में नेता प्रतिपक्ष श्री देवेंद्र फडणवीस जी, मुंबई समाचार के एमडी श्री एच एन कामा जी, मेहरवान कामा जी, एडिटर भाई नीलेश दवे जी, अखबार से जुड़े सभी साथी देवी और सज्जनों, पहला तो नीलेश भाई जी कहूँ एनी सामे मारो बांधो पहला नोधा भी दू एम कहू भारत भाग्य विधाता, भारत भाग्य विधाता जनता जनार्दन छे। 130 करोड़ देशवासी छे, हूँ तो सेवक छु, मने एम थाय कि आज हूँ ना आव्यो होत तो कामा साहेब, मने विचार आव्यो कि आज हूँ ना आव्यो होत तो मैं घणु बधु गुमाव्यु होत। कारण आम थी जोवानु शुरू करू छु, लगभग बधा परिचित चेहरा देखाय छे। आटला बधाने एक साथे दर्शन करवानो मौको मळे एनाथी विशेष आनंद शू होय। त्यांथी खीचड़ी हाथ ऊंचा करी करीने पगे लागे छे। मुंबई समाचार के सभी पाठकों, पत्रकार और कर्मचारियों को इस ऐतिहासिक समाचार पत्र की 200वीं वर्षगांठ पर हार्दिक शुभकामनाएं। इन दो सदियों में अनेक पीढ़ियों के जीवन को, उनके सरोकारों को मुंबई समाचार ने आवाज दी है। मुंबई समाचार ने आजादी के आंदोलन को भी आवाज दी और फिर आजाद भारत के 75 वर्षों को भी हर आयु के पाठकों तक पहुंचाया। भाषा का माध्यम जरूर गुजराती रहा लेकिन सरोकार राष्ट्रीय था। विदेशियों के प्रभाव में जब ये शहर बॉम्बे हुआ, बंबई हुआ, तब भी इस अखबार ने अपना लोकल कनेक्ट नहीं छोड़ा, अपनी जड़ों से जुड़ाव नहीं तोड़ा। ये तब भी सामान्य मुंबई कर का अखबार था और आज भी वही है मुंबई समाचार। मुंबई समाचार के पहले संपादक महर्जी भाई के लेख तो उस समय भी बहुत चाव से पढ़े जाते थे। इस अखबार में छपी खबरों की प्रामाणिकता संदेश से परे रही है। महात्मा गांधी और सरदार पटेल भी अक्सर मुंबई समाचार का हवाला देते थे। आज यहां जो पोस्टल स्टैंप रिलीज हुआ है, बुक कवर रिलीज हुआ है, जो डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई है, उनके माध्यम से आपका ये अद्भुत सफर देश और दुनिया तक पहुंचने वाला है। साथियों, आज के दौर में जब हम ये सुनते हैं कि कोई न्यूज़पेपर
200 साल से चल रहा है तो आश्चर्य होना बहुत स्वाभाविक है। आप देखिए, जब यह अखबार शुरू हुआ था तब रेडियो का आविष्कार नहीं हुआ था, टीवी का तो सवाल ही नहीं उठता है। बीते 2 वर्षों में हम सभी ने अनेक बार 100 साल पहले फैले स्पेनिश फ्लू की चर्चा की है, लेकिन अखबार उस वैश्विक महामारी से भी 100 साल पहले से शुरू हुआ था। तेजी से बदलते दौर में जब ऐसे तथ्य सामने आते हैं तब हमें आज मुंबई समाचार के 200 वर्ष होने का महत्व और ज्यादा समझ में आता है। और ये भी बहुत सुखद है कि मुंबई समाचार के 200 वर्ष और भारत की आजादी के 75 वर्ष का संयोग इस वर्ष ही बना है। इसलिए आज के इस अवसर पर हम सिर्फ भारत की पत्रकारिता के उच्च मानदंडों, राष्ट्रभक्ति के सरोकार से जुड़ी पत्रकारिता का ही उत्सव नहीं मना रहे, बल्कि ये आयोजन आजादी के अमृत महोत्सव की भी शोभा बढ़ा रहा है। जिन संस्कारों, जिन संकल्पों को लेकर आप चले हैं, मुझे विश्वास है कि राष्ट्र को जागरूक करने का आपका ये महायज्ञ अबाध ऐसे ही जारी रहेगा। साथियों, मुंबई समाचार सिर्फ एक समाचार का माध्यम पर नहीं है बल्कि एक धरोहर है। मुंबई समाचार भारत का दर्शन है, भारत की अभिव्यक्ति है। भारत कैसे हर झंझावात के बावजूद अटल रहा, उसकी झलक हमें मुंबई समाचार में भी मिलती है। समय, काल, परिस्थिति के हर बदलाव के साथ भारत ने खुद को बदला है, लेकिन अपने मूल सिद्धांतों को और मजबूत किया है। मुंबई समाचार ने भी हर नए बदलाव को धारण किया। सप्ताह में एक बार से सप्ताह में 2 बार, फिर दैनिक और अब डिजिटल, हर दौर की नई चुनौतियों को इस समाचार पत्र ने बखूबी अपनाया है। अपनी जड़ों से जुड़े हुए, अपने मूल पर गर्व करते हुए कैसे बदलाव को अंगीकार किया जा सकता है, मुंबई समाचार इसका भी प्रमाण है। साथियों, मुंबई समाचार जब शुरू हुआ था तब गुलामी का अंधेरा घना हो रहा था। ऐसे कालखंड में गुजराती जैसी भारतीय भाषा में अखबार निकालना इतना आसान नहीं था। मुंबई समाचार ने उस दौर में भाषाई पत्रकारिता को विस्तार दिया। इसकी सफलता ने लोगों को माध्यम बनाया। लोकमान्य तिलक जी ने केसरी और मराठा साप्ताहिक पत्रों से आजादी के आंदोलन को धार दी। सुब्रमण्यम भारती की कविताओं, उनके लेखों ने विदेशी सत्ता पर प्रहार किए। साथियों, गुजराती पत्रकारिता भी आजादी की लड़ाई का बहुत प्रभावी माध्यम बन गई थी। फर्दुन जी ने गुजराती पत्रकारिता की एक सशक्त नींव डाली। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से अपना पहला अखबार इंडियन ओपिनियन शुरू किया था, जिसके संपादक जूनागढ़ के मनसुख लाल नागर थे।
इसके बाद पूज्य बापू ने पहली बार एडिटर के रूप में गुजराती अखबार नवजीवन की कमान संभाली, जिसे इंदुलाल याज्ञिक जी ने उनको सौंपा था। एक समय में एडी गोरवाला का ओपिनियन दिल्ली में सत्ता के गलियारों में काफी लोकप्रिय था। इमरजेंसी के दौरान सेंसरशिप के चलते प्रतिबंध लगा तो उसके साइक्लोस्टाइल प्रकाशित होने लग गए थे। आजादी की लड़ाई हो या फिर लोकतंत्र की पुनर्स्थापना, पत्रकारिता की एक बहुत अहम भूमिका रही है। इसमें भी गुजराती पत्रकारिता की भूमिका उच्च कोटि की रही है। साथियों, आजादी के अमृतकाल में भी भारतीय भाषाओं की एक अहम भूमिका रहने वाली है। जिस भाषा को हम जीते हैं, जिसमें हम सोचते हैं, उसके माध्यम से हम राष्ट्र की क्रिएटिविटी को निखारना चाहते हैं। इसी सोच के साथ नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मेडिकल पढ़ाई हो, साइंस और टेक्नोलॉजी की पढ़ाई हो, वो स्थानीय भाषा में कराने का विकल्प दिया गया है। अबे गामडानो गरीब मानो दीकरो के दीकरी गुजराती में 12मू धोरण भणी ने पण डॉक्टर बनी शकशे। इसी सोच के साथ भारतीय भाषाओं में दुनिया के बेस्ट कंटेंट के निर्माण पर बल दिया जा रहा है। साथियों, आज एक और पक्ष के बारे में आपसे जरूर बात करना चाहता हूं। आप भी जानते हैं कि इस अखबार को शुरू किया फरदून जी मुर्जबान ने, और जब इस पर संकट आया तो इसको संभाला कामा परिवार ने। इस परिवार ने इस समाचार पत्र को नई ऊंचाई दी। जिस लक्ष्य के साथ इसको शुरू किया गया था उसको मजबूती दी। साथियों, भारत का हजारों वर्षों का इतिहास हमें बहुत कुछ सिखाता है। यहां जो भी आया, छोटा हो या बड़ा, कमजोर हो या बलवान, सभी को मां भारती ने अपनी गोद में फलने फूलने का भरपूर अवसर दिया। और पारसी समुदाय से बेहतर इसका उदाहरण कोई हो नहीं सकता है। जो कभी भारत आए थे वो आज अपने देश को हर क्षेत्र में सशक्त कर रहे हैं। आजादी के आंदोलन से लेकर भारत के नवनिर्माण तक पारसी बहन भाइयों का योगदान बहुत बड़ा है। संख्या से हिसाब से समुदाय देश के सबसे छोटे समुदायों में से हैं। एक तरह से माइक्रो माइनॉरिटी हैं, लेकिन सामर्थ्य और सेवा के हिसाब से बहुत बड़ा है। भारतीय उद्योग, राजनीति, समाज सेवा, न्यायतंत्र, खेल, पत्रकारिता, इवन सेना फौज में, हर क्षेत्र में पारसी समुदाय की छाप दिखती है। अने हूं गुजरात में तो जरूर कहता हूं जो कि हमने गुजरात ना लोगों ने कोई हस्ता शिखवाड़ी हो है तो पारसी शिखवाड़ी। कारण पारसी थिएटर એટલે તમે પેટ પકડીને હસતા રહો, તમારો કોઈનો પારસી પરિવાર જોડે સંબંધ આવ્યો હોય તો તમને કાયમ એ લોકો ખુશ મિજાજ જ દેખાય। એમના પરિવારમાં જાઓ તો તમે હસે વિના રહી ન શકો। ગમે તેવી કઠિનમાં કઠિન વાત હળવાશથી કરવી એનું નામ પારસી। साथियों, भारत की यही परंपरा है, यही मूल्य है जो हमें श्रेष्ठ बनाते हैं।
साथियों, लोकतंत्र में चाहे जनप्रतिनिधि हो, राजनीतिक दल हो, संसद हो या न्यायपालिका हो, हर घटक का अपना अपना रोल है, अपनी अपनी निश्चित भूमिका है। इस भूमिका का सतत निर्वाह बहुत आवश्यक है। अपने त्या गुजराती में कहवत है, जेनू काम तेनू थाय, बीजा करे तो गोता खाए। पारसी परिवार वैसा पड़वा भले, यानी जिसका जो काम है उसी को करना चाहिए। राजनीति हो, मीडिया हो या फिर कोई दूसरा क्षेत्र, सभी के लिए ये कहावत प्रासंगिक है। समाचार पत्रों का, मीडिया का काम समाचार पहुंचाना है, लोक शिक्षा का है। समाज और सरकार में कुछ कमियां है तो उनको सामने लाने का है। मीडिया का जितना अधिकार आलोचना का है, उतना ही बड़ा दायित्व सकारात्मक खबरों को सामने लाने का भी है। बीते वर्षों में मीडिया ने, एक बड़े वर्ग ने, राष्ट्रहित से जुड़े, सामाजिक हित से जुड़े अभियानों को बढ़ चढ़कर अपनाया है। उसका सकारात्मक प्रभाव आज देश अनुभव कर रहा है। स्वच्छ भारत अभियान से अगर देश के गांव और गरीब का जीवन, उसका स्वास्थ्य बेहतर हो रहा है, तो इसमें कुछ मीडिया के लोगों ने भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, प्रशंसनीय भूमिका निभाई है। आज भारत अगर डिजिटल पेमेंट्स के मामले में दुनिया में अग्रणी है, तो लोक शिक्षा का जो अभियान मीडिया ने चलाया, उससे देश की मदद हुई है। आपको खुशी होगी, डिजिटल लेन देन दुनिया का 40% कारोबार अकेला हिंदुस्तान करता है। बीते 2 वर्षों में कोरोना काल के दौरान जिस प्रकार हमारे पत्रकार साथियों ने राष्ट्रहित में एक कर्मयोगी की तरह काम किया, उसको भी हमेशा याद किया जाएगा। भारत के मीडिया के सकारात्मक योगदान से भारत को 100 साल के इस सबसे बड़े संकट से निपटने में बहुत बड़ी मदद मिली। मुझे विश्वास है कि आजादी के अमृत काल में देश का मीडिया अपनी सकारात्मक भूमिका का और विस्तार करेगा। ये देश डिबेट और डिस्कशन के माध्यमों से आगे बढ़ने वाली समृद्ध परिपाटी का देश है। हजारों वर्षों से हमने स्वस्थ बहस को, स्वस्थ आलोचना को, सही तर्क को सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा बनाया है। हमने बहुत कठिन सामाजिक विषयों पर भी खुलकर स्वस्थ चर्चा की है। यही भारत की परिपाटी रही है, जिसको हमें सशक्त करना है। साथियों, आज मैं मुंबई समाचार के प्रबंधकों, पत्रकारों के विशेष रूप से उनसे आग्रह करना चाहता हूं, आपके पास 200 वर्षों का जो आर्काइव्स है, जिसमें भारत के इतिहास के अनेक टर्निंग पॉइंट दर्ज है, उसको देश दुनिया के सामने रखना बहुत जरूरी है। मेरा सुझाव है कि मुंबई समाचार अपने इस पत्रकारीय खजाने को अलग अलग भाषाओं में किताबों के रूप में जरूर देश के सामने लाने का प्रयास करें। आपने महात्मा गांधी के बारे में जो रिपोर्ट किया, स्वामी विवेकानंद जी के रिपोर्ट किया, भारत की अर्थव्यवस्था के उतार चढ़ाव को बारीकी से समझा समझाया, ये सब अब रिपोर्ट मात्र नहीं है। ये वो पल है जिन्होंने भारत के भाग्य को बदलने में भूमिका निभाई है। इसलिए आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करने का बहुत बड़ा माध्यम, बहुत बड़ा खजाना कामा साहब आपके पास है, और देश इंतजार कर रहा है। भविष्य में पत्रकारिता के लिए भी एक बड़ा सबक
आपके इतिहास में छुपा है। इस और आप सभी प्रयास जरूर प्रयास करें। और आज 200 वर्ष, मैंने पहले भी कहा, ये यात्रा कितने उतार चढ़ाव देखे होंगे, और 200 साल तक नियमित चलना, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत है। इस महत्वपूर्ण अवसर पर आपने मुझे निमंत्रण दिया, आप सबके बीच आने का मौका मिला। इतने बड़े विशाल समुदाय से मिलने का मौका मिला, और मैं कभी एक बार यहाँ मुंबई में किसी साहित्य के कार्यक्रम में आया था, शायद हमारे सुरेश भाई दलाल ने मुझे बुलाया था। उस दिन मैंने कहा था कि मुंबई और महाराष्ट्र एक गुजराती भाषा नु मोशाल से, एक बार फिर आप सभी को मुंबई समाचार के 200 वर्ष होने की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। कामा परिवार को आपने राष्ट्र की बहुत बड़ी सेवा की है, पूरा परिवार आपका बधाई के पात्र है। और मैं मुंबई समाचार के सभी पाठकों को भी, वाचकों को भी हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। कामा साहब ने जो कहा वो सिर्फ शब्द नहीं थे, 200 साल तक पीढ़ी दर पीढ़ी ये घर में एक अखबार नियमित पढ़ा जाए, देखा जाए, सुना जाए, ये अपने आप में भी उस अखबार की बहुत बड़ी ताकत है जी। और उस ताकत देने वाले आप लोग हैं, और इसलिए मैं गुजरातियों की इस सामर्थ्य को मैं बधाई देना चाहूंगा। मैं नाम नहीं देना चाहता हूं, आज भी एक देश ऐसा है जहां एक शहर में, मैं विदेश की बात कर रहा हूं, सबसे ज्यादा सर्कुलेशन वाला अखबार गुजराती है। इसका मतलब हुआ कि गुजराती लोग शायद जल्दी समझ जाते हैं किस चीज में कहां ताकत है। चलिए, हंसी खुशी की शाम के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।